हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए थोड़ा सा हटके एक ब्लाउज़ का टाइप लेके आई हूँ। इसे आप पीपलम टॉप कह सकते हैं। पीपलम टॉप की तरह ये ब्लाउज़ होता है जिसे आप लहंगे के ऊपर पहन सकते हैं, या फिर आपका शरारा है, गरारा है, उसके ऊपर आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। स्कर्ट्स के साथ इसे पैर अप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़्यादातर लहंगे का ही डिज़ाइन डाला हुआ है। अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारे डिज़ाइन अच्छे अच्छे हैं। पीपलम जो ब्लाउज़ होता है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो आप अपना बॉडी पार्ट कवर अप भी कर सकते हैं इससे। अगर आपको बेली वगैरह ज़्यादा शो नहीं करनी है और आपको लहंगा पहनना है तो आप इस टाइप का लॉन्ग ब्लाउज़ स्टिच करवा कर ले सकते हैं। रेडीमेड भी मार्केट में मिल जाता है। और ये स्टाइल तो 2 साल पुराना है, लेकिन ये आज भी ट्रेंडिंग में है और थोड़ा सा यूनिक हटके स्टाइल है। तो आपको यूनिक चीज़ें पहनना पसंद आती है और स्टाइल करना अच्छा लगता है तो इसे आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। इसके ऊपर आप दुपट्टे को भी इजीली स्किप कर सकते हैं। दुपट्टा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई ख़ास ट्रेडिशनल हमारा फंक्शन है तब आप इसे दुपट्टे के साथ ही वेयर कीजिएगा, अच्छा लुक आ जाता है। आप इसे पहन सकती है अपने मेहंदी संगीत पर, या फिर रिसेप्शन है तो नाइट फंक्शंस के लिए अच्छा रहेगा। अलग अलग फैब्रिक्स में आप इसे तैयार कर सकते हैं, चाहे वो नेट हो, जॉर्जेट हो, या फिर शिफॉन हो, सिक्वेन वर्क हो, ये सभी स्टाइल में काफ़ी अच्छा लगता है। इस टाइप की आप वर्क इसके ऊपर करवा कर ले सकते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड पीपलम टॉप भी अच्छा लगेगा। अगर आपके वार्डरोब में कोई पुराना लहंगा पड़ा हुआ है और आप उसे रीयूज़ करना चाहते हो तो आप टेलर से एक अच्छा सा पीपलम ब्लाउज़ स्टिच करवा कर ले सकते हैं, ताकि ये अच्छा सा रीयूज़ भी हो जाए और काफ़ी स्टाइलिंग भी दिखे। इसके स्लीव्स में आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। स्लीवलेस रख सकते हैं, सेमी स्लीव्स है, फुल स्लीव्स भी है, तो आप इसके साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आप बेल्ट का जो स्टाइल है वो भी पिक कर सकते हैं, तो बेल्ट के साथ पीपलम टॉप भी अच्छा लगेगा। बटन्स भी है, फ्रंट साइड में आप बटन्स लगवा कर ले सकते हैं। ये एक्चुअली आपको अनारकली पैटर्न में दिखाई देगा, तो अनारकली जो हमारे ड्रेसेस होते हैं उसी स्टाइल में है। इसे आप अनारकली शॉर्ट टॉप या फिर लॉन्ग ब्लाउज़ कह सकते हैं। आप इसे जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि लहंगे के ऊपर, शरारा गरारा के ऊपर, स्कर्ट्स के ऊपर पहन सकती है, वेयर कर सकती है। काफ़ी स्टाइलिश और लेटेस्ट डिज़ाइंस आपको दिखाई देंगे जो कि 2022 में ट्रेंडिंग में है। तो अभी शादी का सीज़न चल रहा है तो इस टाइप का ब्लाउज़ आप ज़रूर स्टिच करवा कर लीजिए। स्कर्ट और ब्लाउज़ को आप कॉन्ट्रास्ट कलर में रखेंगे तो अच्छा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर पिंक कलर का ब्लाउज़ है और ग्रीन कलर का लहंगा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह का सेम कलर में भी आप पैर रख सकते, या फिर इस टाइप का ब्लाउज़ और लहंगा सेम कलर का रखकर दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट कलर में रख सकते हैं। काफ़ी चॉइसेस और काफ़ी ऑप्शन है आपको इसमें। अगर आपको इसके ऊपर सिक्वेन वर्क करवाना है, जरदोसी या फिर एम्ब्रॉयडरी पैचेस लगवाना है, वो लगवा कर ले सकते हैं। नेट में काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, नेट में, जॉर्जेट में आप इसे बनाकर ले सकते हैं। तो अगर आप स्पेशली मुस्लिम ब्राइड हो तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें अपना बॉडी पार्ट, बेली पार्ट कवर अप होता है। आई होप आपको ये सारे डिज़ाइंस और ये कलेक्शन अच्छा लगा हो और इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो और कलेक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसे ही किसी ब्यूटीफुल कलेक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।